हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मित्रों, हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। साथियों, ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया है? तो राइट आंसर है गुजरात टाइटंस नया नाम कर दिया गया है अहमदाबाद आईपीएल टीम का। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ऑपरेशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर है साथियों फ्रांस देश ने साथियों इसकी अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया है? तो राइट आंसर 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं साथियों आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर है सूरत, जो कि यहाँ पर गुजरात में पड़ता है। यहाँ बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर है इंस्तांबुल, जो आपका तुर्की में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, 15वें ESPN क्रिंक इंफो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीत लिया है? तो राइट आंसर है क्रेन विलियमसन ने साथियों यह पुरस्कार जीता है। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, किस भारतीय कंपनी ने स्टार्लिंग एंड विल्सन सोलर का 2845 रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी RIL। क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? आंसर है अटल सुरंग, जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन बनी है? तो राइट आंसर है सागरिका घोष। सागरिका घोष साथियों, ये अटल बिहारी की इन्होंने जीवनी लिखी है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी। मित्रों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।